क्लास का ईवीएस का लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। हमारा लेसन नंबर 9 है प्ले टाइम, मतलब खेलने का टाइम। इट इज अ फेमस सेइंग, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। मतलब ये एक बहुत फेमस कोटेशन है जो कि बहुत से लोग कहते हैं कि ऑल वर्क एंड नो प्ले, मतलब कि बहुत सारा काम करना, दिन भर काम करना और कोई प्ले नहीं करना, वो जैक को क्या डल बॉय बना देता है। टू रिफ्रेश अवर सेल्फ वी कैन प्ले गेम्स एंड एंजॉय अवर फ्री टाइम। प्लेइंग गेम्स कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। एनी फॉर्म ऑफ प्ले और एक्टिविटी दैट रिफ्रेश अवर बॉडी एंड माइंड इज कॉल्ड रिक्रिएशन। मतलब कि हम जब वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद हमें अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए या तो हम कोई प्ले करें, मतलब कोई गेम प्ले करें, गेम खेलें, या हम अपने फ्री टाइम में एंजॉय करें, वो हमें क्या हेल्दी रखता है और फिट रखता है। और ये जो इन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशन, जिन एक्टिविटीज़ को करके हम रिफ्रेश होते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स एंड माइंड रिलैक्स होता है। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग इन द पार्क, रीडिंग स्टोरीज, प्लेइंग चेस, राइडिंग बाइसाइकिल, फेयर, विजिटिंग अ जू, विजिटिंग सर्कस, ये सभी टाइप का रिक्रिएशन है। इनको करके हम रिफ्रेश होते हैं। ड्यूरिंग द लॉन्ग वेकेशन वी लाइक टू गो ऑन साइट सीइंग अवर टूर्स, व्हाट अ प्लीजेंट चेंज इट इज। ड्यूरिंग द समर वेकेशन वी गो ऑन अ हिल स्टेशन और बीच। जब समर वेकेशन होता है हमारा 2 मंथ्स का, आप सभी का भी होता है मई जून में, वहाँ पर उस टाइम पर हिल स्टेशन या फिर बीच पे जाते हैं लोग। देयर आर मैनी डेज वी सेलिब्रेट विथ अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वी सेलिब्रेट बर्थडे आर फन। वी इन्वाइट पीपल टू अवर बर्थडे पार्टी। देयर आर बलून्स एंड गिफ्ट्स। देयर इज अ केक विथ अवर नेम ऑन इट। देयर आर कैंडल्स ऑन द केक। हम बहुत सारे डे सेलिब्रेट करते हैं, उनमें उन पर हमारी फैमिली और फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। वैसे ही एक डे है बर्थडे, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम वहाँ पर हमारे बर्थडे पर बहुत मस्ती करते हैं और हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, हम बुलाते हैं हमारी बर्थडे पार्टी के लिए। और बर्थडे पार्टी में क्या क्या होता है, बलून्स, बहुत सारे गिफ्ट्स और केक होता है उसके ऊपर जिसका बर्थडे होता है, बर्थडे बॉय या गर्ल उनका नेम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देयर आर अदर स्पेशल डेज वी सेलिब्रेट। वी हैव वेडिंग इन द फैमिली, द एंटायर फैमिली मीट्स एंड वी वेयर नाइस क्लॉथ्स। We eat sweets and have a lot of fun. मतलब और भी स्पेशल डेज होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर कभी वेडिंग होती है तो जब हमारे यहाँ किसी की वेडिंग होती है तो सभी फैमिली मेम्बर्स आते हैं, सब एक साथ रहते हैं, मस्ती करते हैं, सभी नए नए कपड़े पहनते हैं, स्वीट मतलब मिठाइयाँ खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एक्साइटिंग एंड मेक अस मोर एक्टिव। आउटडोर गेम्स सच एज क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा हेल्प टू मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। दे हेल्प टू कीप आवर बॉडी फिट। दे ऑल्सो टीच अस द वैल्यू ऑफ प्लेइंग इन अ ग्रुप। स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैसे एक्टिविटीज हैं, बहुत एक्साइटिंग, उनमें हमें बहुत मजा आता है। और ये आउटडोर गेम्स क्या क्या होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और भी, वो इन सबको जब हम प्ले करते हैं तो हमारी बॉडी कैसी होती है, हेल्दी होती है और फिट होती है। और ये हमें क्या सिखाते हैं, ग्रुप में प्ले करना, टीम वर्क सिखाते हैं। ये जो लेसन था ये कंप्लीट हो गया। आपको इसमें जो कुछ भी समझना है आप हमसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं। इस लेसन को आपको एक बार रीड